राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसी के पत्ते क्यों यूज़ करने चाहिए और उसका क्या करना चाहिए। तो गाइस, हम जो तुलसी जी कान्हा जी को चढ़ाते हैं, वो आज मैं बताऊंगी कि कान्हा जी को तुलसी के पत्ते क्यों चढ़ाने चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले तो तुलसी के पत्ते इसलिए चढ़ाने चाहिए क्योंकि कान्हा जी तुलसी के बिना कोई भी भोग, किसी भी प्रकार का भोग तुलसी के बिना ग्रहण नहीं करते। तुलसी ठाकुर जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, तो इसलिए हमें भोग के साथ तुलसी जी को डेली सुबह तुलसी जी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। तुलसी जी का एक पत्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी जी का हमेशा ये ऐसे गुच्छा, फूल की तरह गुच्छा तोड़ना चाहिए, ये चढ़ाना चाहिए। तो गाइस, दूसरी बात जो हम तुलसी जी चढ़ाते हैं कान्हा जी को, उसका हम क्या करें डेली। तो गाइस, डेली हमें क्या करना है, इसको चढ़ाने के बाद जब ये हो जाते हैं तो इसको एक डब्बे में इकट्ठा कर ले, 20-25 दिन की जोड़ के इकट्ठी करके इसे सुखा कर पीस ले। पीसने के बाद इसका जो पाउडर बन जाएगा वो हम यूज़ कर सकते हैं। पाउडर बन जाने के बाद चाय में डाल लो, तुलसी जी की तो चाय वगैरह में डाल के भी तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए तुलसी जी के पत्तों को ऐसे वेस्ट ना करें, इकट्ठा कर ले 20-25, काफ़ी दिन के इकट्ठे करने के बाद सूख जाए पीस ले। और गाइस, अपनी हमने तुलसी जी की जो माला होती, डंडियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं, तो उसकी देखो हमने माला बनाई हुई है, घर की माला बनी हुई है। और ये माला ठाकुर जी को जरूर पहनानी चाहिए गाइस, हमने देखो घर की बनी हुई माला ठाकुर जी को पहना रखी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दिल से एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।